नमाविधन्वन्तरिवादिदेवं सुरासुरैरवन्दित पादपंकजं लोके जरार भयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीना कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साज मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। कमल नयन श्याम रंग पीतांबर साजे मनमोहन वस्त्रों में आदिदेव विराजे। शंख चक्र जलव का घट अमृत कालिए चार भुजों से सारे दुखों से मुक्त करे। जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा सेहत का वरदान हम सबको देना। जय देव जय भगवन धन्वंतरि सुरों के सागर मंथन से आए अमृत का घट भर कर संजीवन लाए। भय दुख दूर करे जरा मृत्यु हारे मन का और तन का स्वास्थ्य हमें देना। जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा सेहत शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। शास्त्रों का ज्ञान और अनुभव कर्मों का हो तर्क और बुद्धि से तत्पर सेवा हो। दक्ष रहे सत्य कहे निर्मल उदार संयत हो आशीर्वच हमको श्रीकांत संग देना। जय देव जय भगवन धन्वंतरि देवा
नमस्कार, प्रणाम सबको। थोड़ा विलंब हुआ है, हमारा सेशन 5:30 बजे शुरू होता है, लेकिन कुछ चिकित्सा के काम से जो है वो थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हम जितने भी अब तक डिस्क्रिप्शन देते आए हैं वो सब बात दोस्त से डिस्क्रिप्शन देते आए हैं, उनके गुणों के आधार पर। आज हमारा एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट है, इसको आज की उसमें टर्मिनोलॉजी में बहुत कुछ लिख देते हैं जब कोई सीटी या एमआरआई कराते हैं तो, और वो वर्ड लिखते हैं जैसे कि किसी को अगर कहीं स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है तो एक वर्ड लिखा जाता है डीमाइलेशन। वो जो डीमाइलेशन जो शब्द है, उस शब्द का शाब्दिक अर्थ हमको समझना होगा, क्योंकि जहां पर डीमाइलेशन की कंडीशन आ जाती है फिर वहां वो एलोपैथ में या किसी और दूसरी साइंस में उसकी रिकवरी नहीं है, वो रिकवरी सिर्फ केवल आयुर्वेद में है। हमारी जो, वैसे तो हम नहीं कह सकते लेकिन हम समझने के लिए कह सकते हैं कि जो हमारे बात में स्रोतस होते हैं वो हमारी सभी स्रोतस बात वही स्रोतस होते हैं, क्योंकि बात वही स्रोतस का जो मूल है वो यही है कि गमन, जहां पर गति होगी वहां उसका स्रोतस मान लिया जाए, और बगैर गति के कोई ऐसा अंग नहीं है जो बगैर गति के चलता हो, उसमें गमन तो होगा ही होगा। और गमन होने का जो अर्थ है वो सीधे वायु से निकाला जाता है, पर वो होता भी है, और 5 महाभूत कभी गमन नहीं कर सकते, सिर्फ केवल वायु के द्वारा, वही गमनार्थ। अगर किसी को भी गमन कराएगी तो वही कराएगी, और खुद भी अगर गमन करेगी तो वही करेगी। इसलिए और किसी की जो 5 महाभूत 4 महाभूत तो उनकी नहीं, उनमें कोई ऐसा गुण नहीं होता है जो वो गमन कर सके। तो जहां पर गमन की स्थिति है, और खासकर जो नर्व्स होती हैं हमारे, उन नर्व में जो है वायु प्रभावित होती रहती है, वो अलग अलग तरीके से है। हम लोग सोचें, हम अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, एक ही नर्व के अंदर 2-3-4 प्रकार की वायु होती है, क्योंकि जहां पर सिनेप्टिक सिनेप्सिस होती है वहां पर एक वायु का ही, एक हमारी जो वायु से संबंधित एक वायु होती है वो उसके बीच में होती है, वो वहां ट्रांसफॉर्मेशन काम करती है। और एक प्रकार से हम ये कहें कि हमारा एक करंट है, हमारा एक एक जो एक तार के अंदर, तार के अंदर बिजली प्रभावित होती है तो वो भी वायु के ही कारण हुई है। आम अगर उसमें देखें, हम वायर में देखें तो वो भी उसकी गति का जो स्रोत है वो वायु ही है, और फिर वो अपने स्थान पे जाके वहां पर अपना कार्य करके बल्ब वगैरह जलता है। उसके लिए जरूरी ये है कि वहां पर वायु होना आवश्यक। ये जो हमारी नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स आखिर किस धातु की बनी होती हैं वो समझने की, पहले वहां पर समझने की जरूरत ही है। और उसके अंदर आपने सुना होगा एक माइलिन सीट होती है, देखा भी है, आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, स्टडी भी की है, सब कुछ मालूम है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से वो माइलिन सीट है, वो माइलिन सीट है किसकी, ऊपर किसी होती है, एक वायर होता है ना वायर, उस वायर के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ी होती है, उसके अंदर जो है वो नर्व होती है जिसके अंदर वायु गमन करती है। समझने में थोड़ा सा सरल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि मैं इसको कैसे समझ सकता हूँ। तो वो आप सिंपल समझ सकते हैं, उसके लिए एक वायर है, वायर के अंदर एक जो है वो तांबे का वायर है, और उसके अंदर एक ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हुई है,
वो प्लास्टिक माइलिन शीट है, वो माइलिन शीट जो होती है वो बनी किसकी होती है। तो हम ये कहें अपने आयुर्वेद में तो वो माइलिन शीट जो होती है वो हमारी मज्जा की बनी होती है, मज्जा धातु की बनी होती है, और जिसको अगर उसका कॉम्बिनेशन उठा के देखा जाए तो हम कहेंगे डेंस कफ, डेंस कफ का घनत्व प्राप्त जिसके अंदर स्निग्धता मौजूद है वो कफ है। वो कफ जो है वहां पर अपनी स्निग्धता प्रदान करता रहता है, किसे, किसको स्निग्धता प्रदान करेगा, तब वहां पर जो वायु, क्योंकि अंदर वायु गमन कर रही है और उसका गुण है, वायु का जो अपने गुण है, जो अपने नैसर्गिक गुण है, वो हम खूब अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लघु रूप से शीतो, ये वायु के अपने गुण है, और इन गुणों से बचाने के लिए प्रकृति ने एक ऐसी शीत लगा रखी है उसके ऊपर जो इतनी स्निग्ध है कि वायु के जो अपने गुण है, बात के जो अपने गुण है, वो जल्दी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाए। अर्थात वायु अगर साम्यवस्था के अंदर है तो उसके गुण भी उसके साम्यवस्था के ऊपर रहेंगे, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर दिक्कत है, कहीं पर गुण बढ़ जाते हैं भागने से दौड़ने से, और थोड़ी देर के बाद फिर भागने दौड़ने से वो शांत भी हो जाते हैं थोड़ा सा अगर उसे उठता है, लेकिन कहीं पर ऐसा ना हो कि वायु का जो मैंने स्वाभाविक रूप बताया था आपको कि वायु स्वभाव से जो ऐसी होती है, और वायु कोई शरीर में घटती बढ़ती नहीं है, वायु का जो अपना प्रकोपित होने का जो स्वरूप है वो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से वायु होता है, उसका जो प्रकोपित स्वरूप है कि किस तरह से वायु प्रकोपित होती है, उस तरह मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूं, वायु से पहली चीज तो आप अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल निकाल लो कि वायु जो शरीर के अंदर घटती है या बढ़ती है उसकी मात्रा, ये ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे अन्न दोष यानी कि पित्त और कफ की जो वृद्धि होती है वो अपने साथ साक्षात रूप में दिखती है, इसलिए बार बार आचार्य ने जब पवन कराते हैं तो पित्त निकलता है, तो पित्त आखिर में निकलता है, लेकिन कफ को निकालने के लिए, बड़ी ही मात्रा को निकालने के लिए हम पवन कराते हैं, ऐसे पित्त को कॉम्बिनेशन कराते हैं तो उनकी बड़ी ही मात्रा होती है, लेकिन वायु में ऐसा नहीं होता, वायु में उसकी वृद्धि कभी नहीं होती, उसके गुणों की वृद्धि होती, वायु की जितनी मात्रा है उतनी ही रहेगी शरीर के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर अलग अलग तरह से अलग अलग मतलब माप से वायु की मात्रा अलग अलग होती है, इसलिए ही प्रकृति चेंज होती है, क्योंकि वायु ही एक ऐसी सक्षम चीज है जो प्रकृति को चेंज करती है। वास्तव में जो प्रकृतियां होती हैं वो विकृति है, प्रकृति से सिर्फ एक ही होती है और जो हमारे शरीर के अंदर होती ही नहीं है। जिस दिन हमारे शरीर के अंदर प्रकृति प्रवेश कर गई उस दिन हम शून्य की अवस्था में आ जाएंगे, अर्थात हमारे शरीर को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमारे शरीर से हमारा शरीर और मन और आत्मा ये दोनों अलग चले जाएंगे, तब हम जो है प्रकृति के रूप में आएंगे। वास्तव में जो हमारा शरीर है वो वास्तव में प्रकृति नहीं है बल्कि एक विकृत शरीर है जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, लेकिन रोगों को जानने के लिए आचार्य ने सात प्रकार की प्रकृति को वहां पर कह दिया कि ये सात प्रकार की प्रकृति के मनुष्य होते हैं, वास्तव में ये विकृति ही मनुष्य है, अगर मनुष्य नहीं होते तो फिर ये होते ही नहीं, प्रकृति में ही होते, प्रकृति शून्य है, प्रकृति हमेशा एक्टिव होती है, प्रकृति हमेशा एक्टिव होती है, जबकि मनुष्य का जो शरीर हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव का मतलब हम ये कहें कि वो क्रियाशील नहीं होता, उसकी अपनी जो क्रियाएं चल रही है वो तो क्रियाशील है, लेकिन वैसे क्रियाशील कभी नहीं हो सकता, प्रकृति जब चाहे तब अपने को एक्टिव हमेशा रखती है और जब चाहे तब बदल देती है। हमारा शरीर अंदर से एक्टिव है इसको जानने की चिकित्सा की गई है, ना कि हम ये कहें इसको जानने के लिए प्रकृति करी गई है, प्रकृति आचार्य ने लिखी है सात प्रकार की, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रकृति को ही प्रकृति कहते, ना हम उसको विकृति ही कहेंगे, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव है, इसलिए जब भी हम कभी प्रकृति के खिलाफ जाते हैं प्रकृति हमारे ऊपर असर डालती है, हम उसके ऊपर कभी असर नहीं डाल सकते, कुछ समझने की कोशिश करें।
तो चिकित्सा की दृष्टि से सात प्रकार की प्रकृति जो है वो आचार्य सुश्रुत भागवत तीनों ने हमारे जो उसको निरस्त किया। तो जिस तरह से वायु शरीर के अंदर कभी बढ़ती बढ़ती नहीं है, उसके गुण दोष बढ़ते हैं, उसके जो गुण है वो बढ़ते हैं। वो किससे बढ़ते हैं? वो बढ़ते हैं हमारे आहार से, वो पहले से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हम अगर ऐसा आहार विहार करेंगे तो आहार विहार करने के बाद जो ऐसा आहार विहार हम करते रहेंगे जो बात वर्धक बात के गुणों को बढ़ाए, जैसे रूक्षता को रूक्षता से बढ़ाना है तो रूक्षता को और बढ़ाएंगे तो आप थोड़ी सी या तो उसको देर तक पंखा चला दीजिए, थोड़ा और जल्दी सूख जाएगा, रूक्षपन आ जाएगा, थोड़ा और जो है सुखा दीजिए तो और ज्यादा रूक्षपन आ गया। तो आप रूक्षता वाले स्थान पर अगर उसको रख देंगे या उसको ले जाएंगे तो वो रूक्षता ही पैदा करेगी। इस तरह से जो हमारे आहार विहार रूक्ष होते हैं, अभी हमारे आहार विहार इन गुणों से युक्त होते हैं लघु रूप सी, तो इन गुणों से पहले से ही वो मतलब विद्यमान है और हम उनको खा रहे हैं। तो हम खा रहे हैं तो क्या हुआ कि उन्हीं आहार विहार में किसी एक अंग, किसी एक अवयव, किसी एक स्थान, किसी एक स्रोतस या किसी संपूर्ण शरीर में क्या किया, उस वायु के गुणों को पढ़ दिया। वायु तो वहां से गुजर रही थी। तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लिफ्टिंग वाले पेशेंट होते हैं, बहुत देर तक बैठे हुए पेशेंट रहते हैं, आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो कि उनके शरीर में और कहीं उसको जगह नहीं मिली, सिर्फ केवल वही जगह मिली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पर L3 L4 L5 S1 किसी के ये, और वहां जाके वो ऐसा हो रहा है और शरीर में कहीं जगह नहीं मिली उसको फिर कभी तोड़ने की, अपने स्थान बनाने की, और कहीं से जगह नहीं मिली, वही मिली। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा दोहरा रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि वायु जहां चाहेगी मन चाहेगी वहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पहले से निरस्त होता है हमारे खाने पीने हमारे आहार विहार से। तो जब हम ऐसा आहार विहार करते हैं तब जो आहार विहार जो हमारा होता है वो आहार विहार हमारे शरीर में जाकर पहले से ही वायु के गुणों में वृद्धि एक जगह एक स्रोत एक अवयव या संपूर्ण शरीर में कहीं जाकर उसके गुणों को बढ़ा, उसमें रूक्षता वहां पर पैदा करेगा जहां पर वो मतलब कहना चाहिए जिस तरह से हम खा रहे हैं और जिस तरह से हम अपना आहार विहार कर रहे हैं उस जगह पर उसके वायु के गुणों को बढ़ाएगा। वायु से उसका कोई अभी कोई संबंध नहीं, लेकिन वायु गुजर रही थी उसे, और जब वायु गुजर रही थी तब आया उसने कि मेरे गुण यहां पर बढ़े हुए हैं। जब उसके गुण बढ़े हुए हैं तो वो थोड़ी देर के लिए वहीं रुकी, और जब वो रुकी तब उसने देखा कि मेरे गुण बढ़े हुए हैं, थोड़ी देर के लिए रुकी और रुकने के बाद फिर वहां पर क्या हुआ, उसका संचय हुआ, क्योंकि उसने अपने गुणों को वहां पर प्राप्त कर लिया पहले। वो तो गुजर रही थी, उसे कोई मतलब नहीं था कि मेरे गुण कहाँ बढ़े हैं, वो तो सिर्फ केवल अपने रास्ते पर चल रही थी, जिस रोज चलती है उसी रास्ते पर हर दिन हर पल हर समय वो चली रही। लेकिन उसने पाया कि इस अंग के अंदर इस स्रोत के अंदर मेरे गुण यहाँ पर बड़े हुए हैं, वो वहां थोड़ी देर के रुकी, इसे बोलते हैं वायु की संचय अवस्था। जब गुणों की वृद्धि हुई तब बोलते हैं वायु के गुणों की वृद्धि, और जब वहां पर रुकी वो आके तब बोलते हैं वायु की संचय अवस्था होगी, त्रिकोप की अवस्था, जब अपनी पूर्ण मात्रा को प्राप्त हो जाती है और अपने गुणों से लतपत हो जाती है। लघु रूप चार पांच गुणे जहां उसके बड़े नहीं, फिर उसने उस अंग को सबसे पहले क्या करेगी, मैं आपको डिमाइलेशन कर लेता हूँ, ये जो डिमाइलेशन है जो देखते हो गया आपको डिमाइलेशन है उसको लेता रहा। तब हम कहेंगे कि वहां पर वो रुकी और रुकने के बाद क्या हुआ कि वहां पर संचय हुआ, संचय होने के बाद वृद्धि को जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई तब उसके चार गुण एक साथ में बढ़े, और वो चार गुण कौन से थे, लघु रूक्ष शीत और विशद गुण, ये चार गुण वहां पर उसने बढ़ा लिए। शीत गुण इसलिए बढ़ा क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर कफ था, मज्जा में जो उपस्थित है, मज्जा किसकी बनी, वायरल शीत किसकी बनी, मज्जा,
उसके अंदर क्या है कफ, उसके बाहर क्या है कफ, वहां पर वो ऑलरेडी उपस्थित था और वो अनुष्ण होता है। वायु का अपना स्वाभाविक गुण होता है कि वो शीत होती है। इसकी शीत की जब मैं सिद्धि बताऊंगा वायु में, तब बताऊंगा कि शीत वायु को क्यों कहा आचार्यों ने, और इसको कोई ज्यादा महत्वता हमारी जो मतलब कहना चाहिए संहिताएं हैं, उनकी संहिताओं में इस गुण को ऐसा गूढ़ करके छोड़ दिया। जब तक आप उसकी सिद्धि नहीं पढ़ेंगे, शीत गुण को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम इतना पढ़ते हैं, इतना यहाँ पर देखते हैं कि वहां पर वो शीतता को प्राप्त हुई किसकी वजह से, वो कफ जो था वो स्वाभाविक रूप से शीत होता है और उसकी वजह से वो शीत की वहां पर। अब क्योंकि वो सूक्ष्म हो नहीं सकती, सूक्ष्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सूक्ष्म होने के लिए उष्णता की जरूरत है और वहां पर उष्णता है। अब देखिए कठिन वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कफ जल्दी सूखने वाला नहीं, वो कफ ऐसा डेंस कफ है बॉडी का जो हमारी पूरी ब्रेन से बनी होती है, वो जल्दी सूखने वाला नहीं है। आपने कभी सेरिब्रल एट्रोफी का मरीज देखा होगा, तो उस सेरिब्रल एट्रोफी के मरीज में आपको ब्रेन को सूखना दिखाते हैं ना, लेकिन वो एक स्टेज होती है, अमूमन एक स्टेज होती है 90% कितने साल बाद आपको होगा, 60 साल के बाद, यार कोई ऐसी दिक्कत होती है तो नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घी तेल का इस्तेमाल करते रहते हैं, आप वायु को ना बढ़ने के साधन है, आहार विहार है वो अपने पूरे करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 60 साल के बाद ऐसे होता है। हाँ एक रोग विशेष की स्थिति में अगर ऐसी चीज हो रही है तो आपके आहार विहार, इसलिए वायु कहा है कि वायु स्वयं कुछ नहीं करती बल्कि हमारे अपने आहार विहार से ही बढ़ती है, इसलिए वायु कहा कि दो दोस्त ऐसे हैं जो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये तीसरा ऐसा है इसको आप जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते। और जहां वायु का अगर रूक्ष गुण बढ़ गया अच्छी तरह से, फिर वहां पर वो रुकने वाली नहीं होती, इसलिए रूक्ष गुण को सबसे पहले कंट्रोल किया जाता है। और मैंने आपको बता ही दिया, हम अपने एबीसी फाउंडेशन आयुर्वेद बेसिक कंसेप्ट फाउंडेशन पर यही सब चीजें आपको बताते हैं ताकि आपकी चिकित्सा सुदृढ़ हो। और मैं अपने एबीसी फाउंडेशन के सभी जो मेंबर्स हैं, सभी डॉक्टर्स हैं हमारे, वो सब जो है ज्यादातर यहाँ पर हमारे इस समय जुड़े हुए हैं सब लोग, और एक प्रकार से एक हम लोगों की आदत जैसी पड़ गई है कि हम गुणों पे काम करके चिकित्सा करें। बहुत हो गया बात करते हुए, छोड़ो इनको। तो जब वायु वहां पर शीत हो मतलब हो जाती है, तो वहां पर स्वाभाविक है कि आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर वायु शीत क्यों हो गई, वहां पर क्यों कफ है, अब वो कफ के रूप में है, अब वो मज्जा धातु है, वो मज्जा धातु जो माइलिन शीत के ऊपर चढ़ी हुई है वो बाहर है। देखिए आप यहां से शुरू होती है इसकी संप्राप्ति कि यहां पर कफ भी है और वायु भी है तो होगा क्या। अब उस बीच क्या हुआ, किसी ने तीक्ष्ण उष्ण आहार विहार, बहुत ज्यादा स्पाइसी जो आजकल की भाषा में है, बहुत ज्यादा ये, बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए बात वर्धक भी है, स्पाइसी भी है, सब कुछ है, डोसा बर्गर जे वो बिस्किट सूखा जो ऑफिस में टाइम बेटाइम। और दूसरी चीज सेडेंट्री हो गए, सेडेंट्री का मीन्स आप बैठ गए और एक ऐसा पोस्चर बना लिया आपने कि आप उसी पोस्चर से बहुत देर तक बैठे और काम करो, पैर आपके नीचे, आपके शरीर में ज्यादा मूवमेंट हो ही नहीं रहा, वो इतने हो रहा है ये फाइल इधर के ये उठा के ज्यादातर आईटी सेक्टर वाले लोग आपने देखे हो, ये जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं 3-4 घंटे बैठ के। और आजकल तो बच्चों में देखने को मिला, क्योंकि पहले के बच्चे मेज पर पढ़ते ही नहीं थे, मेज और कुर्सी टेबल पर पढ़ते ही नहीं थे, विधान ही नहीं था, और आज भी विधान है कि आप उस पर ना पढ़े, लेकिन हमारी जो अपनी जो एक क्या बोलते हैं जो होती है कि आप पढ़े तो काय पे पढ़े, बोले मेज कुर्सी चार पाए पे ना बिस्तर पे बैठ के ना पढ़े, बड़ी गलत प्रथा पड़ रही है, बहुत गलत प्रथा कि आप बिल्कुल अपने शरीर को किसी से टेक के पाए, टेक के मतलब समझ रहे पीछे से शरीर ऐसे जैसे मैं बैठा हुआ हूं खुला ऐसे ना पढ़, बल्कि पीछे से और उसे कोई सहारा नहीं तब उसे, वो सबसे बड़ी प्रथा है।
हम ऐसे पढ़ते हैं और हमें तो इतने साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आज तक भी पढ़ रहे। हम कभी भी आज तक अपने जीवन में कभी मेज पे बैठ के नहीं पढ़ा कुर्सी, ना मैं अपने बच्चों को पढ़ने देता हूँ। वैसी वैसी बात, खुले में पढ़ो, बैठ के नीचे बैठ जाओ, चार बिस्तर पे बैठ जाओ, क्योंकि आपका शरीर आपके अनुसार, वो अपने अनुसार वहां बैठे बैठे जहां बैठोगे आप, वो अपने आप मूवमेंट कर सकता है। आप, आपको लग रहा है मैं ऐसे कर, ऐसे बैठ गया, मैंने अपना पूरा शरीर यहीं पर बैठ के जो है आधे घंटे बैठा और ऐसे ऐसे मैंने शुरू कर दिया, मेरा शरीर मूवमेंट में आया और मेरी जितनी भी स्पाइनल कॉर्ड थी चाहे मेरे ज्वाइंट से। अब आप बैठे टेबल पे, क्या कर लोगे, तैयारी हिला लोगे ऐसे करके, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर नीचे पेंसिल गिर गई तो उसको भी ये सोचोगे कि दूसरा उठा दे, मैं ना उठाऊं। ये जो तरीका है, आप तो कहोगे कि आप तो सब खत्म करते चले जाओगे, फिर बच्चे तो हमारे क्या करेंगे, बच्चे तो आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपका बच्चा कल आईटी सेक्टर में जाए, मुझे पता है आपका बच्चा अगर मेडिकल में चला गया तो मेडिकल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर वहां तो खुद ही नहीं बैठने को। हाँ, वो आता लगे कि आप 4 घंटे बैठ के ओपीडी करो, उसमें भी कोई जरूरी नहीं होता है आपके ऊपर, क्या आप 4 घंटे ओपीडी यहीं पर बैठ कर, आपकी मर्जी होती है, पेशेंट बीच में पहुंच जाओ लेके और अपना जो है वो खड़े खड़े। और अच्छा जो डॉक्टर होते हैं मैंने देखे हैं, उनके पास अगर 100 मरीज हैं तो वो अपनी कुछ सीट पर ही नहीं बैठते हैं, वो वहीं पर जाएंगे पेशेंट के पास जहाँ पेशेंट, और एक एक करके वहीं सबको देखते चले जाएंगे पेशेंट को, और उनका चलना भी हो जाता है और पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर हमारे पास। एक अच्छी जो रेस्पॉन्स उसको जाता है, वो उसको ये नहीं बताया कि ये डॉक्टर करके आ रहा है, लेकिन पेशेंट के बीच में ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन चली जाती है, डॉक्टर बहुत बढ़िया है, वहां जाके बैठ जाओ आराम से, वो खुद ही आएगा और एक तरफ से लाइन से देखते हुए चला जाता है। और उसने 20 मरीज एक बार में देखे, अब वो किसी भी लाइन का है, अगर कार्डियोलॉजी का है तो उसने उधर भेज दिए, इनकी ECG करो, इनकी TMT करो, इसका ये करो, इसका वो करो, और फटाफट फटाफट काम चले उसके, और वो खुद मूवमेंट में रहा। और जब वो खुद मूवमेंट में रहता है तो ऐसे रोग नहीं, बैठने से क्या हुआ, हम बैठ गए तो बैठने से जो स्थिरता थी, जो बॉडी चाह रही थी, जो वायु वहां पर गमन करना चाह रही थी, वो गमन गमनार्थ दूसरे को भी ले जाना चाह रही थी, और आपने बैठ के उसको वहीं पर शांत कर दिया। और जब वहीं पर शांत कर दिया, मूवमेंट ही उसके जल, मतलब कहते ना कि एक तो कफ जो उसको मूवमेंट ना करने दे, और दूसरा वहां पर वो प्रकुपित हो गई, तो जब प्रकुपित हो गई तो जड़ता पैदा करेगी, मतलब वहां पर उसकी वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के बाद तब वहां पर क्या करेगी, वो खुद बढ़कर वृद्धि, एक तो वृद्धि हो गई वहां पर उसके गुणों की, और जब एक उसकी वृद्धि हो गई तब वहां पर वो क्या करेगी, खिंचाव पैदा करेगी, जड़ता उत्पन्न करेगी, वो उसको निकलने का रास्ता देगी। निकलेगी किधर से, नहीं निकल सकती उधर, आपने अगर निकले का थोड़ा सा है कि मसल्स थोड़ी सी चलें, थोड़ा सा मूवमेंट हो, तो वायु कहीं पर किसी रास्ते से दूसरे रास्ते से निकल जाए, लेकिन आपने क्या काम किया, मसल्स को ही वहीं रोक दिया, आपकी जितनी भी बोन्स है वो भी वहीं रुकी हुई है, पीछे वाली हड्डी वो भी वहीं रुकी हुई है, और वायु वहीं पर फंसी रहेगी। फंसने के बाद फिर क्या काम किया, उसने अपने गुण तो प्राप्त थे ही थे, जब उसके गुण प्राप्त थे तब अंदर की वायु, देखिए अब मैं यहां समझिए, एक तरफ वायु हमारी बाहर है, उस मज्जा के जो माइलिन सीट है उसके अंदर वायु नहीं है, बाहर है, और बाहर रह के वह प्रकुपित होती है, लेकिन दोनों वायु का आदान प्रदान ये होता रहता है। अब थोड़ा सा समझें, मैं जरा वाइट बोर्ड पे आपको अगर ले जाना चाहूं तो मैं ले जा सकता हूं, क्या ले जाऊं वाइट बोर्ड पे, तो आपको जो है जो हमारा जो हमारी केबल है, जो हमारा तार है, उस तार के अंदर वायु का प्रवाह है, लेकिन वायु का जो अपना इंटरस्टीशियल स्पेस, अगर उसको हम बोल दें कि बाहर की जो वायु है, उस बाहर की वायु से समन्वय होता है, वो लगातार उस वायु से समन्वय करती रहती है कि आपकी कंसंट्रेशन मेरी कंसंट्रेशन एक जैसी है, और वो गमन करती रहती है। लेकिन अगर बाहर की वायु का प्रेशर ज्यादा हो गया और अंदर की वायु का प्रेशर कम है, अर्थात बिल्कुल सम है, उसको सम मान लें और उसको हम अधिक माने, तो क्या होगा कि जो अंदर की वायु होगी वो बाहर नहीं आ सकती, और जो बाहर की वायु है वो अंदर प्रवेश कर जाएगी,
और अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करिए। थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि जो तार के अंदर वायु, तार का मतलब जो केबल है, उस केबल के अंदर जो वायु है वो समावस्था के अंदर है। अगर वो समावस्था में नहीं होती दर्द आपको कभी का हो सका होता, अभी उसने कुछ करा नहीं, अभी उसने कुछ नहीं करा है, तो उसका साइन है कि वो दर्द वहां पर केवल जकड़ाहट दिखा रही है कि मेरी कमर अकड़ जाती है बहुत देर तक बैठा रहता हूँ और थोड़ा सा जरा मैं मूवमेंट हो जाता हूँ तो ठीक हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक घंटे बैठ गया तो मेरी ऐसी हो जाती है, और कई दिन से वैसे मैं आठ आठ घंटे बैठे रहता था, सब चार पांच घंटे बैठे रहता, तो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी ऐसी स्थिति आ गई, दो घंटे जब बैठ जाता हूँ तो मेरी कमर अकड़ जाती है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ ठीक है। फिर दो महीने के बाद अब मैं एक घंटे तक बैठ पाता हूँ, और एक घंटे बैठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ, और फिर उसके बाद जो है मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर मैं बैठ जाता हूँ एक घंटे। इस तरह से मेरे सामने परेशानी होती है। आपने भी उसको हल्के में ले गए और आपने भी कहा कि थोड़ा सा तेल वेल दे रहे, उससे मालिश कर लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो और थोड़ा सा जो है खाना पीना चेंज करो, आपके पास आया तो आपने उसको और थोड़ी सी दवाई दी, वो पेशेंट बाय द वे ठीक हो गया। लेकिन उसने अपना ये नहीं सोचा कि ये जो हम चिकित्सा ले रहे हैं या आप दे रहे हैं ये थोड़े समय तक दें, और इनका जितना भी रूप शहर विहार है और जो कर्म जो कर रहे हैं इनको रोक दें कुछ समय के लिए, रोक दें। रोकने का मतलब ये नहीं कि आप बैठे नहीं काम नहीं करें, आप वहां पर ऐसी सीट डलवाओ जो कि मतलब स्टूल पर बैठ जाओ। वहां पर क्या बैठे हो आप, स्टूल पर बैठो, और स्टूल पर बैठ के आपका शरीर फिर कहीं पर उसको सहारा नहीं मिलेगा नहीं, तब आप अपने दम पे बैठेंगे और जो भी चीज आएगी आप ऐसे उठाने। कभी आपने ऐसे कर दिया उसको समझाओ कि कभी आप पीछे को हो जाओ, कभी आगे को हो जाओ, कभी ऐसे हो जाओ, आपने अपने शरीर को रोकना नहीं। और आप इस घूमने वाला स्टूल नहीं ले, होता क्या कि लोग ऐसे कर करते हैं, उन्होंने पूरे शरीर घुमाया नहीं बल्कि स्टूल घुमा दिया, स्टूल को ऐसे बैंड कर दिया, तो क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। आप अपने शरीर को भरपूर आराम जितनी हो सक रहा है उसको आराम। मैं आज इसकी केवल संप्राप्ति बता पाऊंगा, चिकित्सा नहीं बताऊंगा, क्योंकि चिकित्सा का पार्ट जो है वो अगले उसमें बताऊंगा, क्योंकि संप्राप्ति अच्छी तरह से समझ में आ जाए, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। चिकित्सा तो आपको खुद ही पता है, मैं हिंट भी दे दूंगा, अगर मैं ड्रग भी बता दूंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन ड्रग टाइप क्या होंगे वो आपको अगली बार बता दूंगा। तब आपने क्या काम किया, अंदर की जो वायु है वो अंदर की वायु अपने को समन्वय, बाहर की वायु अपने को समन्वय करने के लिए जो बाहर के अंदर क्या थी, जो बाहर की सॉरी जो बाहर के अंदर वायु थी वो अर्थात जो बाहर के अंदर तार जा रहे थे वो एक प्रकार से हमारी वायु की है जो गमन कर रही है, और बाहर के अंदर सपोर्टिंग है जो माइलिन सीट है जो कफ की बनी हुई है अर्थात मज्जा की बनी हुई है। तब वहां क्या हुआ कि वहां पर अंदर वायु ने जब अंदर प्रेशर लगाना शुरू, और उधर गलती से कहीं अब यहां पर सिर्फ डिस्क में समझ लीजिए तीन की संप्राप्ति एक साथ होती है। अगर गलती से कहीं, अगर पहले तो वायु ने जब प्रेशर लगाया किसमें घुसने के लिए, उस वायर के अंदर प्रवेश करने के लिए, और वो क्यों जा रही है, वो अपनी कंसंट्रेशन पूरी करने के लिए जा रही है, उसे शौक नहीं है जाने, उसे शौक नहीं है जाने का कि वहां पर वो जाए, क्योंकि वहां उसकी कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि आपके खाने पीने से ऐसा हुआ कि बाहर की जो कंसंट्रेशन थी वो बड़ी और अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, वो अपनी कंसंट्रेशन को पूरा करने के लिए उसको क्या करेगी। अगर आपका कोई भी तिक्त मतलब तीक्ष्ण आहार विहार नहीं रहता है तब क्या करेगी, तो वहां पर सिर्फ डिस्क का कार्य करेगी, तो धक्का मार के अंगों को हटाएगी, जिसे कहते हैं भ्रंश, तब वहां कहेंगे यहां भ्रंश कर देगी, शिल्प डिस्क होगा, हटा दिया उसने एक सर्प को। जब उसने हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, एक मरीज को एक संप्राप्ति बनी, दूसरे मरीज को संप्राप्ति क्या बन गई, दूसरे मरीज के लिए वही संप्राप्ति बन गई, दूसरा मरीज उसको कर्म ठंडा करने के लिए कह वायु जब बात दर्द है, बहुत से ऐसे दिमाग वाले होते हैं कि उसको करने के लिए तीक्ष्ण आहार विहार जो कर रहे हैं रोज का वो उसको मेंटेन रखते हैं और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर देते हैं, और जब करना शुरू करे तब वही पित्त फिर उष्ण हो अपनी उष्णता को प्राप्त हो गया
पित्त का अपना उष्ण और तीक्ष्ण गुण दोनों लागू हुआ। अब वायु वहां पर क्या हुई, वहां से जब पित्त चला अपनी उष्णता को लेके तो वो भी घूम रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है वो शांत और उसको लेके ही वायु घूम रही है। तब वो जिस स्थान पे वायु थी वहां पर क्या थी उस समय शीत, अब उष्णता प्राप्त। और जैसे ही उष्णता को प्राप्त हुई तब वहां पर क्या हुआ, वायु सूक्ष्मता को प्राप्त। अंतर सिर्फ इतना है बस, ये ध्यान रखना, वहां पर आहार विहार भी ऐसा नहीं किया, यहां पर आहार विहार किया, वायु सूक्ष्मता को प्राप्त हुई। और जब वायु सूक्ष्मता को प्राप्त हो गई अब वो क्या हाल करेगी उसको बुझाने की, तब वो सूक्ष्म गुण से अपने उसके अंदर प्रवेश करेगी और प्रवेश करने के बाद फिर वहां पर जाके वो कफ है उसको सुखाएगी, क्योंकि अब वायु के पास मौका है, वायु का रूक्ष गुण अब दूना पड़ेगा इस सबसे, क्योंकि वायु के रूक्ष गुण का जो मैंने सिद्धांत बताया था उसको फिर एक बार कहते रहूं कि वायु के रूक्ष गुण को शांत करने के लिए पित्त का स्नेह गुण और कफ का स्निग्ध गुण ये दोनों ही लगते हैं, तब वायु का रूक्ष गुण शांत होता है। और दोनों को, दोनों ही गुण, पित्त का स्नेह गुण और कफ का स्निग्ध गुण, ये दो गुण वायु के रूक्ष गुण को दबा के रखते हैं, तब कब्जे में आती है। और अगर एक भी खत्म, अगर पित्त का खत्म कर दिया, पित्त का रूक्ष गुण जब खत्म होगा तभी तो उष्णता बढ़ेगी, और जब उष्णता बढ़ गई तब अब उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, केवल कफ का स्निग्ध गुण, और वो उससे होगी नहीं, और तब वो किस पे वार करेगी, सीधे कफ के ही स्निग्ध गुण पर ही वार करेगी और वहां उसको सूखा डालेगी। अब उधर वो उष्णता है, और जब उष्णता है तब वहां पर क्या होगा, वायु का विशद गुण कर, क्यों, क्योंकि वहां कफ है, वायु हमेशा विशद गुण को तब कन्वर्ट करती है जब कफ सूख कर चिकना मेज जैसा हो जाता है। ये ध्यान, इसको यहां पर ध्यान, चिकना मेज, एक तो चिकना हो गया, एक जो हमारा चिकना है जिसको हम बोलते हैं कि चिकना हट है उसको चिकना बोलते हैं, कुत्ता सलस बाय कन्वर्ट, कफ का स्निग्ध गुण सलस गुण में कन्वर्ट होता है, वहां पर स्निग्धता हट के अब क्या हो गई, मेज जैसा चिकना हो गया, जैसे हमारी शंख भस्म होती है, फिर वाल भस्म होती है, क्या होती है, इन भसों में स्निग्धता नहीं होती, सलस गुण होता है, उस जो लक्षण गुण होता है, ठीक है, वो जो सलस गुण होता है जिसे हम सिलमी बोल सकते हैं, मेरे को इंग्लिश नहीं मालूम लेकिन उसका अर्थ जरूर पता है और उसका क्लिनिकल पता है, तब वो सलस गुण में जब कन्वर्ट होती है, अब आप समझो थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी सी चीज समझो, जब पृथ्वी के ऊपर बारिश होके सूखी, एक तो सिंपल हवा से सूखा दो पानी, और जब सिंपल हवा से पानी सुखाओगे तो वो पानी सूख जाएगा आराम से, और कुछ दिन के बाद, बहुत दिन के बाद आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी थोड़ी यहाँ पर दरार जैसी दिख रही है, लेकिन वो आपको जल्दी दिखेगी नहीं, क्योंकि वहां पर केवल वायु ने सुखाया, वहां पर गर्मी का कोई मतलब नहीं है, वहां उष्णता से वो नहीं सुखाया गया। लेकिन अगर वायु के साथ में सूर्य की किरणें तेज है और सूर्य की उष्णता बहुत ज्यादा है, तब वायु योगवाही होके फिर उसको बहुत जल्दी सुखा देगी और फाड़ देती धरती से, और जब धरती फाड़ देती तब हम कहेंगे वायु का विशद गुण यहाँ उत्पन्न हो गया, और वो जो हमारा तार है उस तार में के बाहर जो माइलिन सीट लगी हुई है हमारी, किसकी, मज्जा की, उसको सुखाएगी और तोड़ देगी। अब ये तार टूट गया, कहाँ से टूटा, बीच में से, जैसे हम कोई तार ले लें, ये मैं अपनी उठाता हूँ, लेकिन मैं इसको काट नहीं सकता, ब्लूटूथ का है ये हमारा, ये तार है, इसको तार को यहाँ से वायु ने काम किया कि थोड़ी सी यहाँ से लेयर हटा दी, जिससे तार दिख गया, यहाँ से लेयर हटाई इसकी और तार दिख गया। अब ये तार जो दिखा, इसमें तो दूसरी वायु प्रभावित हो रही थी, और जब वो दूसरी वायु प्रभावित हो रही थी तब उसकी कंसंट्रेशन गड़ गई, और जब कंसंट्रेशन गड़ हुई थी तो जो बाहर की वायु थी वो बाहर की वायु अंदर प्रवेश कर रही है, और अंदर की जो वायु है उसका अपोजिट दिखा रही है, कि अपोजिशन दिखा रही है कि आप मेरे मंदिर को बताओ, और आदमी को करंट जैसा लगता है, और जब करंट जैसा लगता है तो कहता है एक पैर में ऐसा करंट लगता है ना डॉक्टर साहब, या दूसरे पैर में जब मैं उठता हूं तो ऐसा करंट लगता है कि मैया याद आ जाती है। करंट लगने का क्या मतलब, तब वहां पर एक संप्राप्ति ये बनी, अब एक तीसरी संप्राप्ति और भी बनती है, वो तीसरी संप्राप्ति क्या बनती है,
अगर आपने बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, मरीज ने कोई उसकी चीज नहीं खाई है, लेकिन वो बराबर आप आठ चीज को खाता रहे, वहां पर विषद गुण नहीं बढ़ेगा। उसका कारण है कि विषद गुण तो तब बढ़ेगा ना जब वहां उष्णता, पित्त की आप उष्णता को खत्म करें, पित्त की आप स्निग्धता को खत्म करके उसकी उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ाएंगे तब बढ़ेगा ना। वहां तो आप ऐसा कुछ खाई नहीं, लेकिन आपने काम किया सूखा आहार जो वायु वर्धक है, वो आपका निरंतर चल रहा है, भागदौड़ निरंतर चल रही है, आप जैसे बैठे हो वैसे काम कर रहे हो, उस स्थिति में वायु क्या करेगी उस जगह पर कुछ होकर, सबसे पहली चीज तो जकड़ाहट, स्टिफनेस। स्टिफनेस किसके कारण होती है? स्टिफनेस का अर्थ है जब कोई दोष वायु का रास्ता बढ़ के रोक ले का मतलब खुद प्रकुपित होके, वायु जो वहां पर खुद प्रकुपित है और दोष भी वहां पर दूसरा प्रकुपित हो गया है, कब वहां पर ज्यादा हो गया है, तब क्या करेगा वो, कब वायु का रास्ता रोकेगा और वायु फिर वहां पर चकड़ाहट करेगी। उसे उस स्थिति में बोलते हैं कि आप कफ की चिकित्सा कर लो, वायु निकल जाएगी वहां से और जकड़ाहट पैदा नहीं करेगी, लेकिन वहां कफ बड़ा हुआ है इसलिए वहां पर जकड़ाहट पैदा होती है, और जब जकड़ाहट पैदा हो गई है तब वहां पर वायु अपने गुणों को बढ़ाए, और जब गुण बढ़ गए उसके तो उसका गुण है रूप क्या, सुखाना, लघु क्या है, सुखाना, शीत गुण से धीरे धीरे कर कप को सुखाएगी, और जब कप को सुखाएगी तब वहां पर क्या काम करेगी, जो स्रोत होंगे ना उन स्रोतों को हल्का सा, जिस स्रोत में से निकल के जा रहा है उसी को, मान लीजिए ये वाला स्रोत है, हम इसको बना के देखें तो अगर गोल एक पोर कर दें उसके अंदर से एक वायर जा रहा है निकल के, तो उसको ऐसा कर देगी और फिर यहाँ से वो क्या करेगा, दबना शुरू करेगा, और जब दबना शुरू करेगा तब वहां एक भाषा होती है स्टेनोसिस, लिख गई फोरामेन स्टेनोसिस, सुकोड़ दिया उसने, मिट्रल स्टेनोसिस, वो कर ही नहीं पा रहा है, वहां पर उसको लचक चाहिए थी, कभी खुल रहा है कभी बढ़ रहा है, खुल रहा है, आप ऐसे मुंह करके में मसल जो फोरामेन था वो थोड़ा सा फैल गया, और फैलने के बाद उसने नर्स को जगह ली थी और आप धीरे लचते हुए चले गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। वहां पर क्या हुआ, जो फोरामेन था वो फोरामेन को वहीं पर स्थित कर दिया, वहीं पर उसको रोक दिया, अब आप लच रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, या आप घूम रहे हैं या आप कुछ भी मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या रहा है, फोरामेन को घूमना चाहिए था, मतलब बढ़ना चाहिए था, उसका आकार ऐसे होना चाहिए था, वहां पर क्या काम कर दिया उसने, जो है उसको वहीं पर स्थित कर दिया, और एक भाषा लिख दी स्टेनोसिस। ये तीन सब प्राप्ति एक साथ चल रही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, और ये थोड़े से अंतर के चक्कर में हम मरीज को एक जैसा ट्रीटमेंट, हम लोगों की गलती क्या होती है कि हम मरीज को एक जैसा ट्रीटमेंट देते हैं, हम हर किसी के लिए नंबर स्पॉन्डिलाइटिस उनकी तो उसमें लिखा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ कहा है तन्यास्था, क्या कहा, तन्यास्था, उस कौन सा था, वायु, दूसरा दोष कौन सा था, पित्त, जो स्वयं जो है नहीं हुआ है बल्कि वो आहार विहार से हुआ है, वायु भी आहार विहार से हुई है, लेकिन पहली बार तो वही हुई वायु, दूसरा हुआ आपने अगर थोड़ा सा गड़बड़ किया तो पित्त, और अगर आपने कफ वर्धक चीजें और ज्यादा शुरू कर दी तो वहां पर कफ का एरिया है, वहां पर फिर वो कफ वर्धक चीजें खाने से कफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्टिफ भी बढ़ेगी। ये तीन चार जो संप्राप्ति डिजीज की, एक ही डिजीज के चार रूप चार तरह से हो रहे हैं, तो उनमें गुणों की दिक्कत होती है कि यहाँ पर गुण है, यहाँ पर हमको गुण की चिकित्सा करनी है और हमको एक जैसी चिकित्सा नहीं करनी है। अब आप समझो कि अगर आपको माइलिन शीत की चिकित्सा करनी है तो मज्जर धातु की चिकित्सा करनी है, तो मज्जा धातु के साथ साथ फिर चिकित्सा करनी किसकी है, तब हम कहेंगे कि मज्जा धातु के साथ चिकित्सा बाद पित्त, इन दोनों की एक साथ चिकित्सा करेंगे तब हमारा मरीज ठीक होगा। और हमने कफ की अगर चिकित्सा करना शुरू कर दी तो वायु बढ़ेगी, और वायु बढ़ गई तो पित्त तो आप उष्णता खिला ही रहे हो, वो तो वैसे ही रुक्षता को प्राप्त हो चुका है, फिर वहां पर मरीज को दिक्कत होगी। तो यहाँ पर जो चिकित्सा सिद्धांत बनेगा उस चिकित्सा सिद्धांत में भी थोड़ी सी दिक्कत यह है कि हमको गुण दोष के आधार पर, जो गुण है उसके आधार पर चिकित्सा करें, इसकी चिकित्सा होगी क्या, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूं। वैसे तो आपको चिकित्सा के मामले में आप सब लोग सबको पता ही है, जो हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं वो सब लोगों को चिकित्सा के मामले में पता है, क्योंकि आजकल ड्रग एंड डिजीज का एक जो है वो चल रहा है कंसेप्ट, ड्रग डिजीज बताओ ड्रग पूछ लो काम खत्म,
बाकी हमको क्या करना है, कौन सा गुण बढ़ा हुआ है कौन सा गुण नहीं बढ़ा हुआ है। अरे 10 आएंगे 5 तो ठीक, 10 आएंगे 4 तो ठीक हो जाएंगे, 6 छूट जाओ तो छूट जाओ, ना ठीक हो तो कौन सी आप बता रही है, 10 में से 4 ठीक हो गए, अच्छे डॉक्टर है ही है। और इतना जब सब कुछ मिल रहा है तो हमको क्या जरूरत है हम 9 मरीजों को 10 मरीजों को ठीक करें, 4 में ही काम चल रहा है, बढ़िया खाना पीना बढ़िया हो रहा है, और क्या करना है, क्या जरूरत है दिमाग से दिमाग लगाने की, है नहीं। कई लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है, तो हम लोग जो है वहां पर जो चिकित्सा करेंगे वो चिकित्सा हम फिर और बात की करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि वायु और पित्त इन दोनों की चिकित्सा ब्राह्मण चिकित्सा होती है, लेकिन साथ में हम ये देखते चले जाते हैं कि इसमें कफ नहीं बनना चाहिए, तो हम ऐसे ड्रग यूज करेंगे जिससे वायु और पित्त तो दोनों ही शांत हो जाए लेकिन कफ ना आए। तो हमारे पास सबसे पहले चिकित्सा सूत्र ही यही होना चाहिए कि हमको ब्राह्मण चिकित्सा करनी है, हर हाल के किसी भी हाल में ब्राह्मण चिकित्सा करनी है, क्योंकि वायु और पित्त को ही खत्म करना है तब माइलिन सीट ठीक होगी, अन्यथा माइलिन सीट ठीक नहीं हो रही है। आपने सीधे अगर पित्त की चिकित्सा कर दी, पित्त नाशन की चिकित्सा कर दी तो वायु फिर भी बढ़ेगी, लेकिन ब्राह्मण चिकित्सा कर दी तो वायु और पित्त दोनों ही शांत होंगे। तो आप क्या करें, वो ब्राह्मण द्रव्य दें जो उष्णता प्राप्त हो जाए, जो उष्ण हो, जिनका वीर्य जो है वो उष्ण हो, जिनका एक्टिव प्रिंसिपल उष्ण हो, और ब्राह्मण भी हो धातुओं का पोषण करता हो, ना कि डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उष्णता भरे जो अगर द्रव है और वायु से संबंधित हैं तो हम कहेंगे कि ब्राह्मण द्रव भी कैसे होते हैं, ब्राह्मण द्रव भी शीत होते हैं, ब्राह्मण द्रव भी उष्ण होते हैं। ब्रह्मी शंखपुष्प कैसी है, शंखपुष्प शीत वीर्य है लेकिन ब्राह्मण है, ब्रह्मी उष्ण वीर्य है लेकिन ब्राह्मण है, अश्वगंधा उष्ण वीर्य है ब्राह्मण है, ठीक है, गुग्गुल कैसे हैं, ब्राह्मण है लेकिन उष्ण है, तो इसलिए गुग्गुल का प्रयोग वहां करें सबसे पहले दीपन पाचन की स्थिति में। तो दीपन द्रव्य भी हमको वो देना है जो द्रव्य दीपन और पाचन इन दोनों में आपको डिफरेंस बताइए, मैं ज्यादा उसमें नहीं ले जाऊंगा, जिस समय मुझे लगेगा कि आपको इसमें बताना भी जरूरी है तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो उसमें क्या है, इसमें हम ड्रग्स यूज करते हैं त्रिरोसा गुप्त अश्वगंधा, योगराज गुप्त महायोगराज गुप्त निराम होने के बाद तब आप दें, पहले दीपन पाचन कराए तो दीपन पाचन सिंपल कराए, अजमोदा दी चुकी, ये मैं आपको निर्दिष्ट चिकित्सा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ अगर आपने अपने दिल दिमाग से काम किया आयुर्वेद को साथ गुणों के साथ ले किया तो निर्दिष्टि समझ लो, आम्बतारी रस अजमोदा दी चूर्ण पोस्ट को देखते चले जाएं, साथ में एरंड तिल, यहाँ पंचकर्म पंचकूल चूर्ण देने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, एरंड तिल दें, अगर देख लें पोस्ट कैसी है तो उसके हिसाब से फिर उसको एरंड तिल दें, और एरंड तिल आप शुरू शुरू में उसको ऐसे ही दीजिएगा और बाद में उसको 10-15 दिन के बाद फिर दूध से इस्तेमाल करें, ऐसे ही देने का तात्पर्य एरंड तिल बाद कफ है, और हम उसको दूध से देंगे तो वहां पर वो कफ को हर नहीं पाएगा और क्या करेगा कि वहां पर हल्का सा ब्रीचन करना शुरू करेगा, तो हमको ब्रीचन नहीं कराना, हमको क्या करना है उतनी मात्रा देनी है 5 या 7 ml की, आप इतनी मात्रा लीजिए क्योंकि आमबातारी रस में भी एरंड तेल होता है, इसलिए उसकी मात्रा को देखते हुए आप आमबातारी रस अजमोदारी चूर्ण एरंड तेल इसकी कम मात्रा 5 से 7 ml मरीज रात को रोज जो है दें, और बाकी ये 2 दवाइयां सुबह शाम खाली पेट दें, इससे आपका दीपन पाचन अच्छी तरह से हो जाएगा, और जब दीपन पाचन अच्छी तरह से हो जाए तो ड्रग बंद नहीं करने हैं आपको, फिर उसमें और ड्रग बनाने हैं, और वो ड्रग बनाने हैं पंचामृत लोह, अब हमको पोषण करना है पंचामृत लोह गुग्गुल, लोह उष्ण होता है और गुग्गुल उष्ण होता है, उसके साथ में हमने ऐसे द्रव्य दिए कि 5 अमृत से समान, जो कि वहां पर जो स्निग्धता है उसको बढ़ा दें लेकिन उष्णता को साथ लेकर, शीतता नहीं दें, और जब उष्णता साथ लेकर जाएंगे तब वहां पर वायु जो है वो अपने आप ही शांत, अगर वो शीत पहुंच गए तो वहां पर शीतता को प्राप्त हो जाएगी। तो त्रिरुसांग गुग्गुल अश्वगंधा लें, त्रिरुसांग गुग्गुल लें, पंचामृत लोह गुग्गुल लें, वहां पर इससे कराएं
कुछ दिन के बाद देखते रहे कि यहाँ पर कफ का कोई भी, अब मुझे लग नहीं रहा है कि मरीज को कोई जकड़ाहट वगैरह है। अगर कहीं पर लग रहा है कि आपको जकड़ाहट वगैरह लग रही है थोड़ी सी, तो वहां पर आप रूख शोधन कर दें पहले हल्के 5-7 दिन, और 5-7 दिन वहां पर हल्का सा रूख शोधन करेंगे तो जो कफ होगा वहां पर वो हट जाएगा। मैक्सिमम 7-8 दिन करना पड़ता है और हट जाएगा। और कभी कभी मैं उस क्लिनिकल ज्यादातर आपको सामने बोलता हूँ, कभी कभी 2-2 महीने करवाना पड़ता है मुझे पेशेंट को, जब बहुत ज्यादा जकड़ाहट होती है तो 15 दिन 15 दिन की 2 सिटिंग मैं करवाता हूँ पेशेंट से। और वो सर मैं अपने वहाँ नहीं करवाता, वो मैं मरीज को ही बता देता हूँ कि आपको क्या नाम है, अजवाइन लेना है, सौंठ लेना है, धनिया लेना है, और धनिया की मेथी लेनी है, और 4 द्रव्य हैं, अजवाइन, सौंठ, मेथी और जीरा, इनको आप लगातार लेके उसमें और रेते से में गर्म करके और फिर इसका रूख शोधन कर दें, 15 दिन करें, फिर मेरे को बताएं। तो इस स्थिति में मरीज की जकड़ाट बकड़ा खत्म हो जाती है, और फिर वो 15 दिन में आता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, अब बाकी तो दर्द वर्द तो ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी परेशानी है ही, एकदम तो ठीक होगी नहीं। मरीज फिर खुद अपने आप रिलैक्स होना शुरू करता है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, और आपके दिलो दिमाग में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हाँ मरीज ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने देख लिया 2 बार हो गया, 3री बार आपने कहा ठीक अब मैं आपको जो है यहाँ पर तेल यूज करता हूँ, तो अक्सर लोग जो है सैचर आदि तेल या महानारायण तेल या विषगर्भ तेल ये सब का यूज करते हैं। मेरे ख्याल से शुरू शुरू में आप सेंधवादी तेल यूज करें, 3-4 दिन सेंधवादी तेल यूज करें, और सेंधवादी तेल यूज करके फिर जो है धीरे से उसको फिर उसी से रूप शोधन कराना है 4-5 दिन, और फिर उसके बाद सेंधवादी तेल चेंज करें, और चेंज करने के बाद आप कोई भी तेल उसके बाद पंचगोण तेल, महानारायण तेल या दशहसर आदि तेल जैसी आपकी व्यवस्था होती है वैसा आप करना शुरू कर दें। लेकिन आप पेशेंट को 3 महीने में वहां तक ले जरूर जाएंगे, आप दोबारा से करिएगा, आपको रीजनरेशन मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर दोबारा से ऐसा हो, इसलिए आखिर में जब पेशेंट से कहते हैं कि 1 महीने हम आपको अब थोड़े से अलग ट्रीटमेंट करा लेंगे, उस समय फिर जब तक आपने दीपन पाचन अच्छी तरह से सब कुछ जितने भी उसके वाइटल थे, हमारे वाइटल कौन से गुण, पराधि कौन से गुण, पराधि गुण कौन से गुण, गुर्वादि गुण, वो ठीक कर लिए, ये वाइटल नहीं कि बीपी और ये वाइटल वाइटल कुछ नहीं होते, ये तो वाइटल से देखने से पता चल जाता है मरीज को कि इसको हीमोग्लोबिन कम है, वो नहीं देखना है, वो देखेंगे तो वो तो दिखा के आया था पहले, और आपने पूरी फाइल भी देखी थी हीमोग्लोबिन सीबीसी, ये तो हमारे वाइटल क्या है, पराधि, हमारे वाइटल पराधि गुण है, उनको देखना है, और जब हम पराधि गुण से संतुष्ट हो जाएंगे कि यही हमारे वाइटल है और इसको हम ठीक है, मैं अपने एबीसी पे इस समय यही चीज को बीच बीच में रिपीट कर रहा हूँ, 20 मिनट का मेरा सेशन इसका होता है और बायोकेमिस्ट्री का, और 20 मिनट जो है मेरा बेसिक का रहता है, उसके बाद 40-45 मिनट का लगभग हो ही जाता है, उसके बाद फिर हमारी दूसरी संभाषा शुरू होती है 9 बजे से, जिसमें हम केस डिस्कशन करते हैं, और ये हमारा पहला वाला जो सेशन होता है 8 बजे का, जिसमें 8 बजे से 8:40 तक हमारा बेसिक चलता है, उसमें मेरा पहला चलता है बायोकेमिस्ट्री आयुर्वेदा, और 20 मिनट चलता है मेरा जो संबंधित डिजीज जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ, चाहे तो इस समय हमारे चल रहा है उसको डिस्क्राइब करता हूँ, वो रहता है हमारे एबीसी फाउंडेशन के सभी लोग जुड़ते हैं, तो मेन तो हमारे तो एबीसी वाले ज्यादातर एबीसी बॉस वही चाहते हैं कि हमको किसी तरह से बेसिक ही सीखना है, चिकित्सा तो हम खुद ही कर लेते हैं, खुद ही जो है वो कभी जरूरत पड़ती है तो पूछ लेते हैं कि यहाँ पर ये होना है, आपको ये करना है, हमें बताइए इसमें क्या करना है, तो उसकी फिर आपस में डिस्कशन करके फिर उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाता है। तो त्रिविध संघ बिल्कुल ले सकते हैं आप उसको, बहुत अगर मरीज कहता है तो फिर उसके बाद में आप उसकी बस्तियां शुरू करें, और वो बस्तियां जब हम शुरू करेंगे तो अक्सर एक ट्रेंड आजकल बन गया चीर वाला, अरे भाई उसीता को प्राप्त ना हो जाए चीर वाला तेल, रटो मत, रटने की आवश्यकता नहीं है, संप्राप्ति आपको पता है, शीत गुण नहीं होना चाहिए, उष्ण गुण नहीं होना चाहिए, दोनों को नहीं बढ़ने देना है, तो चीर वाला तेल ये सब यूज नहीं करना है, आप सीधे सीधे सहचरादि तेल यूज करिएगा, आप सीधे सीधे महानारायण तेल यूज करिएगा, आप धनवंतरी चिक्कड़ पाक तेल यूज करिएगा, आप और भी तेल को यूज कर लीजिए, सेंधवादी तेल को छोड़ दीजिएगा, सेंधवादी तेल अक्सर जो है वो हम मात्रावस्थी के रूप में जो है उसको कभी कभी जिसको हम जरूरत पड़ती है वो ज्यादा हम यूज करते हैं, लेकिन वैसे हम सेंधवादी तेल का बाहर से प्रयोग हो जाता है, बहुत कुछ जाता है, निमोनिया के अंदर सेंधवादी तेल का प्रयोग करते हैं, जब किसी को निमोनिया होती है तब उसमें सेंधवादी तेल का प्रयोग करते हैं, वहां पर फिर ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर हम कफ के स्रोतों को खोल लें, और लंग्स होते हैं वहां पर स्रोतों में जो कफ का दबाव है उसको कम करके पक्वा समय लेके आए, और तब इसकी निमोनिया को ठीक करें, वहां पर सेंधवादी तेल का
प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप वातनाशक द्रव्यों का प्रयोग करें और ये देख लें कि ये शीतल हो और ये उष्ण हो ताकि वायु शांत रहे और वहां पर जो काम हो रहा है, जो पंचामृत लोग कुल जाके कर रहा है, जो कुल जाके कर रहा है, जो त्रिद संघ जाके कर रहा है, जो अश्वगंधा कर रहा है और जो हमारी मज्जा को शांत मतलब कहना चाहिए डिपोजिट करने वाली चीज होती है, आप उसको यूज करें। जैसे सप्तामृत लोग, अब आप मज्जा पे काम करें, सप्तामृत लोग दें, अबरक भस्म दें, बसंत कुसुमाकरस दें, ये हमारे जितने भी ड्रग हैं ये हमारे मज्जा धातु पे ही काम करते हैं, इसको आप जो है सेरिब्रल एट्रोफी के अंदर भी यूज कर सकते हैं जी, और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये जो चार पांच ड्रग हैं इनको जो है हम ज्यादातर मज्जा व सोज से भी काम करते हैं, और वहां पर जो मज्जा के अंदर सोस होता है उसको हटाते हैं, तो आप इस सोस का मतलब से डीमाइलिजिंग से मैंने आपको कई तीर का ही निशाना बना दिया। वो तीर क्या, आपको सेरिब्रल एट्रोफी की भी संप्राप्ति एक प्रकार से बता दी, आपको जो मतलब हमारी स्पाइनल कॉर्ड में ज्यादातर आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, तो आपको कई तरह से देखना है संप्राप्ति जैसी है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर पित्त है या नहीं, यहाँ पर कफ कितना है और यहाँ बलन कितनी है, उसी के हिसाब से डिजीज तय हो जाती है। सिर्फ जिसका मरीज आया बेफिक्र होकर वायु के नाना आत्म रोग का इलाज करो, बेफिक्र होकर कि वायु का सिर्फ यहाँ पर सरल से गुण है, वायु बड़ी हुई है बाकी कुछ नहीं है, हम यहाँ पर वायु के नाना आत्म रोग करें, आप बस्तियां दें वहां पर निरू बस्ती दें, अनवासन बस्तियां देना शुरू करें, सिर्फ क्या नाम उसको कटी बस्ती दें, उसको अभिहंग कराएं, आप जो टोटल चिकित्सा करें सिर्फ डिस्क के अंदर, टोटल चिकित्सा आपकी कैसी होनी है बाद के नाना आत्म, जहां आपको लगता है स्टेनोसिस हो रही है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर स्टेनोसिस का मतलब कि वायु के गुण के साथ साथ यहाँ पर कफ भी है, तो हमको पहले इस चिकित्सा कफ की करनी है और कफ के साथ साथ ऐसी चिकित्सा करनी है जो वायु को ना बढ़ाए। जहां पित्त है वहां आपको सीधे सीधे लग जाएगा कि यहाँ पर माइलिन सीट गड़बड़ हो रही है, और वो लिख के देगा आपको MRI के अंदर कि डीमाइलिन, तो आप सीधे सीधे करें बात, चिकित्सा करें और सिद्धांत यही रखें कि वहां पर हमको पित्त की चिकित्सा करते करते वायु को शांत रखना है और कफ को बढ़ने नहीं देना। अगर कफ को आपने बढ़ने की ब्रह्मगण चिकित्सा ऐसी कर दी जो शीत द्रव्यों से कर दी, तो कफ बढ़ेगा, फिर वहां पर जकड़ाट होगी, पेशेंट आपका खून पी लेगा। तो मेरे देखिए, एक तो पहले मुझे दर्द हो रहा था, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने तो पैर हिलाना मुश्किल कर दिया, मेरा पैर नहीं हिला। अक्सर जो वैसे पेशेंट होते हैं, अक्सर जो उस तरह से पेशेंट होते हैं कि जो ऑपरेशन करा के आपके पास आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का किसी ने ऑपरेशन कराया है और स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन करा के वो आपके पास अगर आते हैं इस तरह के पेशेंट, तो फिर आपको तो फिर वहां पर जो चिकित्सा की जाती है, फिर वहां पर जो चिकित्सा होती है बड़ी कठिन होती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी पेशेंट हम ठीक कर देते हैं, और उसको तो वहां पर और ही ज्यादा मजा आता है ठीक करने में, क्योंकि पेशेंट के पास फिर दूसरा कोई रास्ता होता नहीं है, ये भी ध्यान रख लो, और जिसके पास दूसरा रास्ता नहीं है वो आपके पास इलाज कराएगा, और वहां पर अगर आपने अपने आयुर्वेद को फिट नहीं किया तो फिर आपको कोई दूसरा मौका मिलेगा ही नहीं जो आप अपने को सिद्ध कर सको कि हम जो है ठीक हैं, आप तब भी गलत थे और आज भी गलत है, गलत किया ऑपरेशन। इसलिए वहां भी चिकित्सा मैं आपको बताऊंगा, वो चिकित्सा बहुत ईजी है, बस इतना आप समझ लीजिए, और वहां पर एकदम किसी को हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर बात है, यहाँ पर पित्त है, यहाँ पर कफ, वहां पर हम अनुपसय और अनुपसय को देखकर तब हम तय करते हैं कि एक महीने में से यहाँ पर दोष है कौन सा, एक महीने में तय कर मिलता है। और यहाँ पर तो ऑपरेट कर दिया पेशेंट को, बिल्कुल एकदम चारपाई भी लिटाल दिया, अब तो ना उसके दर्द हो रहा है, ना उसको लैट्रिन की पता लग रही, ना उसको बाथरूम की पता लग रही, उधर कैथेटर पड़ा हुआ है, उधर घर वाले घर की सफाई करते करते परेशान है, पेशेंट को भूख लग रही है, मजे से खा के चारपाई भी लिटा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑपरेशन कर लिया, 5-7 लाख ले लिए पूरे, काम कर दिया अपने इसका। और ऐसे में फिर आपको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है कि अब हम इसको सिद्ध कैसे करें, तो आप बस एक चीज को देख लीजिए, कहीं से कोई कनेक्शन तो नहीं कटा हुआ है, कनेक्शन का मतलब कोई नर्व काट तो नहीं दी, अगर कोई नर्व कटी हुई है आप तुरंत तो उसके को छोड़ दीजिए, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब हम अंदर घुस के इसको थोड़ी जोड़ लेंगे, कोई स्रोतस ही कटा हुआ है तो उसको जोड़ नहीं सकते, कहीं पर अगर इंजरी हुई है तो हम उसको ठीक करने कर लेते हैं, लेकिन इंजरी नहीं हुई है, तो अगर उसके चाकू से उसकी कैची से इंजरी हो गई है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो काट ही दिया है उसने ऐसे करके तो क्या करेंगे, तो फिर उसके इसको मारें आप, उसे हाथ जोड़ लें, नमस्कार प्रभु हम चलते हैं अपने घर,
जी अपने घर ही घुसा है, वो केस आपके लिए उपसह अनुपसह ही देगा, उपसह को नहीं देगा। जब आपको लगता है कि नर्व ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कंप्रेस कर रही है, कहीं पर पायलट सीट नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है, आप तुरंत उस केस को लीजिए और अपने हैंडल को लीजिए, और वहां पर फिर उसके पास मरीज के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता है कि कहाँ जाओगे, जितना करना था कर लिया ना, और आपने एक बार कह दिया मैं ठीक करूंगा, आप ये करके ये करूंगा लगा के छूंगा ना, मैं इतना कर दूंगा कि ये अपना काम आपसे नहीं करवाए, पेशेंट कई घर वाले होंगे इतने पे ही राज जाएंगे कि अगर ये अपना ही काम कर लेंगे तो सब कुछ, तो कहीं कुछ ना जाए, हम यहीं पर इसको करा लेंगे। और वो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ऐशो आराम के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मन का कोई काम नहीं होता, सिर्फ मन को आदेश करने की आवश्यकता होती है, धन की कोई कमी नहीं होती, अगर कमी होती है तो संतुष्टि की कमी होती है, अगर पहले ही आयुर्वेद में आप गिर जाते कहीं तो ये नौबती क्यों होती। तो इसलिए जो है मैं आपसे सबसे इस बात को कहता हूँ कि आप अपनी परिस्थितियों को देख के अपना डिसीजन लें, और हमेशा पढ़ते रहिएगा, हमेशा सीखते रहिएगा, हमेशा जो दूसरे को सिखाते रहिएगा, अगर हो सके तो ABC फाउंडेशन पे आइएगा, आपको सिखाइएगा और सीखिएगा। मेरा नंबर है 9992775780, कमेंट्स में मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि हमको ठीक लगा तो आप जो है इस नंबर पर मुझे अपना व्हाट्सअप भेज दीजिए और मैं आपको जूम लिंक दूंगा, वो आप जूम से जो है सीधे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हरिओम और मैंने अपना नंबर लिख दिया 9992775780। इसी के साथ अब हमारे हमारे ABC फाउंडेशन के तो बहुत ज्यादातर वैद्य जो है सब जुड़े हुए हैं, मैं सबका एक तरफ से विकास अवस्थी जी और आपको नमस्कार, जुड़ते ही हैं और हमेशा रेगुलर रहते हैं। वैशाली जी हाँ कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, लेकिन आती हैं। संगीता कुशवा जी नमस्कार, दिलीप सोलंकी जी, सविता कोंडली जी, हमारे राघव साहब डॉक्टर राघव जी नमस्कार, वैशाली जी, डॉक्टर पवन शर्मा जी आधे घंटे पहले ही फोन आया था, सब ओपीडी छोड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा क्लास होगा नहीं होगा, आपको नमस्कार। कुलप सिंह राजपूत जी नमस्कार, अनीता वशिष हमारी बड़ी बहन जी हैं, थोड़ी सी तबीयत इस समय ठीक नहीं है इसलिए नहीं आ पा रही हैं। हिमांशु अनेरा जी, प्रीति बत्रा जी नमस्कार, निगम श्रुति जी नमस्कार, पद्माकर बोस जी नमस्कार, आ ही नहीं रहे पद्माकर बोस, अभी बिजी चल रहे हैं इस समय, रावण वावड़ को मार के जो है वो फिर हुए हैं। सरोज मिश्रा जी नमस्कार, रीना विष्णु जी नमस्कार, प्रमोद जी नमस्कार, मीनल गुप्ता जी नमस्कार, और हमेशा रेगुलर और एक बहुत अच्छी आगरा की हमारी डॉक्टर हैं, अगर आगरा में किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप जो है हमारी मीनल गुप्ता जी से मिलिएगा, टोटल फुल एकदम एक शास्त्रोक्त और एक विद्या रूप में जो है वो पूरा पंचकर्म वहाँ पर उनका स्थापित है, पिछले 10 साल से है लेकिन अब थोड़ा सा पब्लिक समझ रही है, अच्छा चल रहा है, थैंक यू। उत्कृष्ट नेहरा जी आपका भी पंचकर्म सेंटर है, आशा खरे जी, जितेंद्र कुमार जी नमस्कार, कुसुम काशनिया जी, जीतेश कुमार सोनी जी, रवि ठाकुर जी, प्रमोद कुमार जी, शैलेंद्र वर्मा जी अभी फोन आया था, देखते हैं बात करते हैं, प्रमोद मिश्रा जी नमस्कार, निशा खुराना जी, अमरीश गोयल जी नमस्कार, हमेशा जो है रेगुलर रहते हैं, अजयकांत कौरव जी नमस्कार, प्रशांत बघेल जी नमस्कार, और इसी के साथ जो है वो अब मैं इस सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ, सबको नमस्कार प्रणाम, हम 8 बजे मिलते हैं और फिर उसके बाद 8:40 तक, फिर 9 बजे से और फिर उसके बाद 10 बजे तक, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि बधाई।